आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे कस्टमर पार्टी लेजर, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। चले हम देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। एक्सेल में चलते हैं, तो इसमें ये लेजर और ये इंडेक्स है, ठीक है। अब इस लेजर में लिखा है काउंट ऑफ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट, पार्टिकुलर्स जो कि टू बिल या बाई बिल होगा, पर्टिकुलर होगा, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट मतलब कि हमने जून से पैसे रिसीव किए हैं थ्रू अकाउंट, फिर बैलेंस कि कितनी अमाउंट हमने ली है। इस पर हम अब डेट पर आएंगे, हम फार्मूलाज लगाएंगे। तो हम इधर फार्मूला डेट लिखेंगे, डेट लिखने के बाद हम पार्टिकुलर में जाकर बाय कैश या विद कैश जो टू कैश है उसे हम अप्लाई करेंगे। हम टू बिल जो है वो ओके करेंगे, टू बिल 102, ठीक है। अब डेबिट अमाउंट में हम लिखेंगे हमें मिले फॉर सपोज 5000, तो अब इसका बैलेंस होगा। इस पर हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल डेबिट अमाउंट प्लस क्रेडिट अमाउंट और एंटर करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम डेट लिखेंगे मैन्युअली। मैन्युअली डेट लिखने के बाद हम फिर पार्टिकुलर में जाएंगे और लिखेंगे कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड इन क्रेडिट अमाउंट, वो हमें रिसीव हुआ है फर्ज कर लें 3000, ठीक है। और इसका जो बैलेंस होगा इसके लिए फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल, हम बैलेंस को पहले कर लेंगे प्लस कर लेंगे, उसके बाद हम क्रेडिट जो है उसको कर लेंगे माइनस और डेबिट को कर लेंगे प्लस। तो ये जो है बैलेंस जो है बकाया आ जाएगा। अब मान लीजिए फिर से कैश रिसीव हुआ, अब 10, 19 और 2022 को हमें फिर से कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव्ड डेबिट अमाउंट में, क्रेडिट अमाउंट में 2000। तो इसका जो बैलेंस होगा वो हम देखेंगे, हम ऊपर वाली जो कॉलम सेल है उसको हम ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो इस सब में जो है ऑटोमेटिकली फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस बचा 5000, ठीक है। अब हम इनको जो है रुपीज़ में सेट करेंगे, ठीक है, पीकेआर में जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में है इसमें सेट करेंगे। फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे, करेंसी में जाएंगे, करेंसी पर क्लिक करने के बाद सिंबल, सिंबल पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे पीकेआर जो कि पाकिस्तानी करेंसी का सिंबल है उसको हम सर्च करेंगे ये नीचे लाने के लाते हुए। ये है ये पीकेआर और ओके कर देंगे तो सब पर ये जो है अप्लाई हो जाएगा पीकेआर। इसी तरह दूसरी क्रेडिट अमाउंट पर भी हम ऐसे ही सेम ही करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, करेंसी, फिर पीकेआर, ये आ गया पीकेआर और इसको हम ओके कर देंगे। इसी तरह बैलेंस पर भी हम ऐसे ही क्लिक करेंगे, सेल फॉर्मेट सेल में जाएंगे और करेंसी पर क्लिक करेंगे और सिंबल पर जाने के बाद हम पीकेआर जो कि पाकिस्तानी करेंसी का सिंबल है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस सब पर जो है बैलेंस पर भी पीकेआर अमाउंट में आ गया।
ये क्रेडिटर या डेबिटर अब देखते हैं कि अगर वो क्रेडिट में है तो जो है प्लस में, अगर डेबिट में है तो माइनस में आएगी रकम। इफ़ इसके लिए फार्मूला कहेंगे इज इक्वल इफ ब्रैकेट, अगर बैलेंस जो है लेस देन ज़ीरो है तो डेबिटर में इसके कोमा कोमा उसके बाद लगाएंगे डबल कोटेशन, डबल कोटेशन लगाने के बाद फिर डी आर के बाद फिर डबल कोटेशन फिर कोमा लगाएंगे क्रेडिटर सी आर डबल कोटेशन सी आर फिर डबल कोटेशन ब्रैकेट बंद और एंटर। ये अभी है हमारे पास क्रेडिट अमाउंट में, इसको भी हम नीचे यानी कि क्लिक कर कर ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो ये सब का जो है पता चल जाएगा कि क्रेडिट में है या डेबिट अमाउंट में। ठीक है, ये है सब सारी अमाउंट का। अब हम देखेंगे कि हम सपोज हम फर्ज कर ले हमने 15/19/2022 को 2022 को कैश रिसीव्ड किया, एडवांस एडवांस कैश रिसीव किया, जो कि है क्रेडिट अमाउंट में 10,000। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे तो ये सारा जो है माइनस में आ जाएगा, मतलब कि डेबिट डेबिटर मतलब कि हमने जो है यानी कि माइनस में है हमने देने हैं ये, यानी कि उनसे हमने एडवांस में ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, इसको शो कर। अब हम अकाउंट ऑफ कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे ताज एंड कंपनी। ठीक है, अब एड्रेस लिखेंगे, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, सपोज कर लेंगे XXX लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी हो सकता है जो कि कंपनी का होगा, ये भी ईमेल आईडी जो कि कंपनी की होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट तैयार। अब हम जाएंगे इसको हम करेंगे मूव कॉपी, कॉपी करेंगे शीट थ्री पर, क्रिएट अ कॉपी शीट थ्री पर हम कॉपी करेंगे इसे। ठीक है, और ये आ गया शीट थ्री पर कॉपी इसकी आ गई, इस पर हम किसी और कंपनी का नाम लिख देते हैं, सपोज हसन एंड कंपनी, हसन एंड कंपनी। तो ये हसन एंड कंपनी का लेजर हो गया तैयार। ठीक है, तो अब जाएंगे हम इंडेक्स में, इंडेक्स में हम इनकी इन कंपनीज के नेम लिखेंगे, जैसे कि इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इस पर हाइपरलिंक बनाएंगे कि हम क्लिक करेंगे तो इधर ताज एंड कंपनी पर आ जाए, इस पर हम लिंक क्रिएट करेंगे, इधर लिखेंगे ताज एंड कंपनी। हसन एंड कंपनी, ठीक है, हाइपरलिंक पर जा सकते हैं हम राइट क्लिक कर कर भी, नहीं तो अगर आप होम में इंसर्ट में जाएंगे और हाइपरलिंक की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे, प्लेस ऑन दिस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है जो शीट पर जो मौजूद हैं इस पर लेजर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लेजर पर क्लिक करने से ये जो है लिंक क्रिएट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट जो है ताज एंड कंपनी लेजर पर पहुंच जाएंगे, फिर हम नीचे हसन एंड कंपनी पर सेम एज इट इज़ हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे,
इस पर भी हम शीट 3 पर हमने हसन एंड कंपनी का लेजर बनाया था, ठीक है, तो इस पर हम करके ओके कर देंगे। तो इस पर भी ये हाइपरलिंक रेडी हो गई, क्लिक करने से हसन एंड कंपनी पर पहुंच गया, ठीक है। इसको अब हम इसका कलर कर देंगे चेंज, सेलेक्ट करके हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर ब्लैक कर देते हैं, अंडरलाइन नो अंडरलाइन, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर में ओके हो गया, बोल्ड की जैसे। हम चाहते हैं कि इसमें इंडेक्स का भी जो है हाइपरलिंक क्रिएट करें, ताकि हम डायरेक्ट जो है उस पर यानी कि इंडेक्स में जाएं, क्योंकि अगर लेटर्स की तादाद 50 60 100 में हुई तो इस इंडेक्स पर जाना जो है थोड़ा मुश्किल होगा, ढूंढ कर बैक जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम इधर इंडेक्स का जो है हाइपरलिंक क्रिएट कर लेंगे, इंडेक्स लिखेंगे इसको, इस साइज इंक्रीज कर देंगे, सेंट्रल लाइन कर देंगे, ठीक है, और बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, और बैकग्राउंड कर देते हैं इसका चेंज। और इस पर राइट क्लिक करने से हाइपरलिंक क्लिक करेंगे, और जो इंडेक्स का जो शीट फॉर्म है उस पर हम ओके कर देंगे, और ये लिंक क्रिएट हो गया। इसको हम ब्लैक कर देंगे कलर, नो अंडरलाइन कर देंगे, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंडेक्स के जो पेज पर हैं हम वापस आ जाएंगे। तो ये इसी तरह अगर हम हसन एंड ये है देख, इंडेक्स के पेज पर क्लिक करने से हम ताजन कंपनी, इसी तरह हम हसन एंड कंपनी के अभी ऊपर भी क्रिएट करेंगे हाइपरलिंक इंडेक्स का। इसे फर्स्ट में ही कर लेना चाहिए था, ताकि इसकी कॉपीज रेडी करते तो हमें बार बार ये इंडेक्स जो है पेज का जो फार्मूला है हाइपरलिंक क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। इंडेक्स करेंगे, हाइपरलिंक शीट, अब इस पर हम कलर इसका सेट कर देंगे ब्लैक, बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे, साइज कर देंगे इंक्रीज, इसको नो अंडरलाइन कर देंगे। इसको क्लिक करने से हम फोरी इंडेक्स पर आ गए। तो ये हमारा जो है ऐसे है, हम इंडेक्स और जो इंडेक्स का जो है पेज और लेजर को हम रेडी कर सकते हैं किसी भी कंपनी के।